पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ 66 क्या चलेगा भाष्य हो गया 67 में था भाष्य भाष्य वही तो कहाँ से 567 कथम पुनः कौन सा पृष्ठ है 67 ऊपर से ठीक ठीक है पर नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। यथा त्वद्यत्वे भोक्तृभोग्ययोः विभागो दृष्टः तथातीतानागतयोरपि कल्पितव्य कल्पयितव्यः। जैसे इस समय भोक्ता और भोग्य का विभाग दृष्टिगोचर है, वैसे ही कल्पना करनी चाहिए कि भविष्य में भी भोक्ता और भोग्य का विभाग रहेगा। भूतकाल में भी भोक्ता और भोग्य का विभाग था, भले ही ब्रह्म ही चित अचित भोग्य भोक्ता दोनों रूपों में अभिव्यक्त हो, लेकिन व्यवहार में कोई विसंगति प्राप्त नहीं होती। भोक्ता चेतन ही हो सकता है, भोग्य अचेतन ही हो सकता है। यह जो व्यावहारिक तथ्य है, इस पर वेदांत का चरम सिद्धांत कोई पानी नहीं फिरता है। यथावत यह स्थिति पहले थी, आज है, आगे भी रहेगी। इसलिए व्यत्यास नहीं होता, भोक्ता भोग्य हो जाए, भोग्य भोक्ता हो जाए, ऐसा नहीं। भोग्य भोग्य ही रहेगा, भोक्ता भोक्ता ही रहेगा, ऐसा ही था, आगे भी ऐसा ही रहेगा। व्यवहार को लेकर कोई विसंगति की प्राप्ति नहीं होती अभिप्राय। तयोश्चेतरेतर भावापत्ति परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वा प्रसज्येत। अब कहते हैं पूर्व पक्ष की ओर से कि भोक्ता और भोग्य में इतरेतर भावापत्ति हो सकती है, भोग्य भोक्ता हो सकता है, भोक्ता भोग्य हो सकता है। 567 चौथी पंक्ति भाष्य तयोश्चया इतरेतर भावापत्ति परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वात् प्रसज्येत। परम कारण तो वेदांतियों को ब्रह्म ही मान्य है, तो ब्रह्म से अभिन्न अनन्य होने के कारण इतरेतर भाव की प्राप्ति हो सकती है, व्यत्यास भी हो सकता है, भोक्ता भोग्य हो जाए, भोग्य भोक्ता हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। पूर्व पक्ष न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम। लेकिन यह जो प्रसिद्ध विभाग है कि भोक्ता चेतन होता है, भोग्य जड़ होता है,
इसका बाध उचित नहीं है। बाधनम युक्तम ना। वेदांत का तो केवल यह आग्रह है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः, देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण के योग से आत्मा में औपाधिक भोक्तृत्व है, वास्तविक नहीं। लेकिन भोक्ता के रूप में कोई अनात्म पदार्थ हो जाए ऐसा नहीं, आत्म तत्व ही भोक्ता रहता है। यह अभिप्राय भोक्ता भोक्ता ही रहता है, भोग्य भोग्य ही रहता है। कभी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो अचित हैं ये भोक्ता हो जाएं और जीव को भोग लें ऐसा नहीं। यथा त्वद्यत्वे भोक्तृभोग्ययोः विभागो दृष्टः तथा अतीतानागतयोरपि कल्पयितव्यः। जिस प्रकार इस समय अद्यत्वे भोक्ता और भोग्य का विभाग परिलक्षित या दृष्टिगोचर है, वैसे ही आगे भी कल्पना कर लेने योग्य है और पहले भी ऐसा ही रहा होगा। इस प्रकार कल्पना कर लीजिए, अनुमान का आश्रय लीजिए कि इसमें कोई विपर्यास नहीं होता, हेर फेर नहीं होता। यह अभिप्राय तस्मात् प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात् अयुक्तम् इदं ब्रह्मकारणतावधारणमिति चेत् कश्चित् नोदयेत्तम् प्रति ब्रूयात्। अपूर्व पक्ष ने यह कहा कि अनुभव के बल पर जब भोक्ता भोक्ता ही सिद्ध होता है, भोग्य भोग्य ही सिद्ध होता है, वर्तमान कालिक अनुभव के बल पर भूत और भविष्य की भी कल्पना कर लेनी चाहिए। पहले भी भोक्ता भोक्ता ही था, आगे भी भोक्ता भोक्ता ही रहेगा। पहले भी भोग्य भोग ही था, आगे भी भोग्य भोग ही रहेगा। लेकिन जब ब्रह्म को ही कारण मान लेंगे तो ब्रह्म से अनन्य होने के कारण या ब्रह्म इन सब रूपों में उल्लसित विलसित विवर्तित होने के कारण क्या पता विपरीत भी हो जाए, भोक्ता भोग्य हो जाए, भोग्य भोक्ता हो जाए। पूर्व पक्ष तस्मात् प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात् अयुक्तमिदं ब्रह्मकारणतावधारणम् इति चेत्। जबकि बात ऐसी है, इसलिए ब्रह्म कारणवाद को निर्धारित करना, उसको स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि विभाजक जो रेखा है वो विगलित हो जाएगी, विचित्र ही होगा, भोक्ता भोग्य बन जाए, भोग्य भोक्ता हो जाए, ऐसा संभव नहीं। इस प्रकार से कोई शंका करे तो तम प्रति ब्रूयात्, उसके प्रति इस प्रकार बोलना चाहिए, कहना चाहिए। श्याल लोकवत सूत्र का अंश है 13वें, नहीं लोक में जिस प्रकार की मर्यादा इस समय परिलक्षित है स्वभाव सिद्ध, उसी प्रकार की मर्यादा ब्रह्म कारणवाद को स्वीकार करने पर भी सिद्ध होती है। ब्रह्म कारणवाद का अर्थ है ब्रह्म ही जगत का निमित्त उपादान कारण है, भोक्ता और भोग्य दोनों रूपों में ब्रह्म ही अभिव्यक्त है। तथापि ब्रह्म कारणवाद कोई विसंगति उत्पन्न कर दे, भोक्ता को भोग्य या भोग्य को भोक्ता बना दे, यह संभव नहीं है। श्याल्लोकवत लोक प्रसिद्ध जो नए है, प्रथा है, विधा है, निसर्ग सिद्ध, उस पर कोई ब्रह्म कारणवाद पानी फेरता हो ऐसी बात नहीं। उपपद्यता एव अयम अस्मत् पक्षेपि विभाग एवं लोक्य दृष्टत्वात्। आप लोग जिस प्रकार आग्रह करते हैं कि भोक्ता भोक्ता ही रहे और भोग्य भोग्य ही रहे,
ठीक इस प्रकार का यहाँ भी परिलक्षित है, कोई विसंगति नहीं है। जो के त्यों भोक्ता और भोग्य को लेकर हम सब एक हैं। केवल भोक्ता और भोग्य के व्यत्यास की आशंका से ब्रह्म कारणवाद से मुकर जाना उचित नहीं है। उपपद्यता एव अयम अस्मत् पक्षे भी, आपके पक्ष में जिस प्रकार यह विभाग चरितार्थ है तीनों कालों में, हमारे पक्ष में भी यह व्यवहार तीनों कालों में उसी प्रकार चरितार्थ है, यह अभिप्राय हुआ। एवं लोक के दृष्टत्वात्, लोक में जैसा दृष्टिगोचर है वैसा ही ये जो अधकचरे वेदांती परंपरा से जिन्होंने वेदांत का अध्ययन नहीं किया वो समवर्ती होने लग गए, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि सबको ब्रह्म जान लेने पर ये थोड़े होगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह गया, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रह गया, भोग्य भोग्य नहीं रह गया, भोक्ता भोक्ता नहीं रह गया। बाधित होने पर भी यथावत उनकी अर्थक क्रिया कारिता बनी रहती है। पृथ्वी भी ब्रह्म, जल भी ब्रह्म, तेज भी ब्रह्म, वायु भी ब्रह्म, आकाश भी ब्रह्म। तो पृथ्वी पृथ्वी के रूप में ही रहेगी, जल जल के रूप में रहेगा, तेज तेज के रूप में, वायु वायु के रूप में, आकाश आकाश के रूप में। उनके स्वभाव प्रभाव स्वरूप को लेकर कोई वेदांत के कारण विपर्य थोड़े प्राप्त होगा, विपरीतता थोड़े प्राप्त होगी। एक गुरुजी गंगा तट पर अपने शिष्य के यहाँ गए, शिष्य ने कहा कि आज पर्व है गुरुजी, गंगा स्नान कर लीजिए। चेला, घट में ही गंगा है, घट में ही यमुना है, तुम लोगों को यह ज्ञान नहीं है तो नहा लो, हमको मत तंग करो। ठीक, हाँ, वो चेला बड़ा चतुर था, नया नया दीक्षित हुआ था, बाहर से कुंडी बंद कर दी, गंगा स्नान करके आए। अब वो बैठ गए चेला लोग कि गुरुजी क्या करते हैं। अरे अरे क्या किया भाई, प्यास लगी है, भोजन, गुरुजी घट में ही पानी, घट में ही अन्न। आपने तो हमको उपदेश दिया घट में ही गंगा, घट में ही यमुना। अरे अरे वो बात दूसरी है। तो महाराज, हम लोगों को आप नास्तिक मत मनाइए वेदांत के नाम पर। जब घट में ही गंगा है तो घट में अन्न भी है, जल भी है, बाहर से अन्न जल की क्या आवश्यकता है। तो वेदांत के नाम पर उन्माद फैलाना उचित नहीं ना, मर्यादा का अतिक्रमण करना उचित नहीं। बुलंदशहर आदि में हमको लोग ले गए, अरे वेदांत के नाम पर इतना बवाल मचा दिया था, ब्राह्मण लोग आ गए मेरे पास। हाँ, उन ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, तो दूसरों की बेटी क्यों न लें, दूसरों को बेटी क्यों न दें, वो भी तो हमारे गुरुजी से सुनकर ब्रह्म हो गए हैं। यहाँ तो मेरे सामने समस्या आई, मैं शंकराचार्य नहीं था, तो वामदेव युवराज ने भेजा था, अरे राम बाबाओं ने इतना तहस नहस। तो हमने कहा पहले ये बोलो, तुम भी ब्रह्म हो गए, वो भी ब्रह्म हो गए, ब्रह्म क्या है जरा मेरे सामने बोलो। तो हमने कहा तुमको तो अभी पंचभूतों का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म हो गए, और वो भी तुम्हारे गुरु के जितने चेले हैं सब ब्रह्म ही हो गए, तो ब्रह्म की बेटी लें और ब्रह्म को बेटी दें, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण हो गया। मृच्छकांड, तो वहाँ फिर सबको समझाया और फिर उपदेश भी किया बड़ी सभा में। देवयोग से लाठी गोली हमको किसी ने हम पर प्रयोग नहीं किया, बहुत खतरनाक। बाबाओं ने, इन कथावाचकों ने क्या, वेदांतियों ने उस समय ये क्या है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, इन सबों में ऐसा उपद्रव मचा दिया था, किसी को बेटी दे दो जो सब ब्रह्म जानने वाले सब ब्राह्मण, किसी को भूत का भी ज्ञान नहीं था, पंचभूत का। अच्छा मान लो ब्राह्मण
कोई क्षत्रिय भी ब्राह्मण ब्रह्म को जान गया तो क्षत्रिय नहीं रहेगा क्या? व्यवहार भी क्षत्रिय रहेगा ही। ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के नाम पर वर्णाश्रम को चौपट कर दिया। ऐसे ऐसे अधकचरे क्या पिशाच वृत्ति वाले वेदांतियों ने तहस नहस कर दिया। उधर आर्य समाज की ओर से वर्णाश्रम को धक्का, उधर वेदांत की ओर से बहुत विभीषिका। वेदांति हो वर्णाश्रम को न माने, अब शूद्राधिकरण है या नहीं ब्रह्मसूत्र में, पूर्व मीमांसा में भी है, उत्तर मीमांसा में भी है। जितने आचार्य हैं सब एक मत, वेदांत के नाम पर वर्णाश्रम का उच्छेद करने वाले कोई नहीं। तो नया बवाल वेदांत के नाम पर लोगों ने चलाया, इसलिए उपपद्यता एवं अयम अस्मात् पद एक पक्षेपी विभाग एवं लोके दुष्टत्वात् तथा ही उदाहरण देते हैं। समुद्रादुदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद्विकाराणां फेन बीची तरंग बुद्बुदादीनां इतरेतर विभाग इतरेतर संश्लेषादि लक्षणस्य व्यवहार उपपद्य उपलभ्यते। भगवान भाष्यकार उदाहरण देते हैं, समुद्र है, उदकात्मक है, जल रूप है। समुद्र को जल रूप जानना कोई अपराध थोड़े है, वस्तु स्थिति ऐसी ही है। तो जल रूप से सब में अभेद होने पर भी फेन का नाम फेन ही, बीची का नाम बीची, बीची माने कौन, अधिक लहर, मोटी लहर, छोटी नहीं बड़ी लहर का नाम बीची, तरंग छोटी लहर, बुदबुद, इन सब का विभाग तो यथावत बना रहता है। क्या उस पर थोड़े हम सबको जल समझ लेंगे तो गंगा गंगा नहीं रहेगी, यमुना यमुना नहीं रहेगी, ये थोड़े गंगा जल यमुना जल या सरयू जल विशेष को लेकर अभेद है ना, विशेषणगत भेद तो बना ही रहेगा। हमने सबको कमल जान लिया तो नील कमल रक्त कमल श्वेत कमल का विभाजन बंद हो जाएगा क्या? विशेषण को लेकर तो विशेष की प्राप्ति होगी, कमल रूप से सब एक हो गए। तो तरंग बुदबुद फैन ये सब के सब जल को लेकर एक हो जाएंगे। एक होने पर भी इनका जो भेद है बीची को लेकर, तरंग को लेकर, बुदबुद को लेकर, फैन को लेकर, उसमें कोई विसंगति थोड़े होगी। तो एकत्व का दर्शन है ना, समदर्शन को संवर्तन का रूप जब दे दिया गया तो उन्माद हो गया, फिर तो बहुत विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? अन्न को खाएंगे या आग को खाएंगे, अंगार को खाएंगे? चकोर खा सकता, हम थोड़े खाएंगे। सब पार्थिव हैं, पार्थिव होने पर भी तत्त्व विशेषता तो पूर्ववत है, हीरा हीरा है, सोना सोना है। सोना को तेजस्वी कहेंगे, हीरा को पार्थिव कहेंगे, तो समदर्शन के बल पर सबको हमने पार्थिव समझ लिया, सबको हमने क्या समझ लिया, वारुण, जल के जितने कार्य हैं वारुण, पृथ्वी के जितने प्रकल्प हैं सबको पार्थिव, किसी को तेजस समझ लिया, ये विभाग तो व्यवहार में चलता रहेगा। व्यवहार का वर्णाश्रम आदि का उच्छेदक वेदांत नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का अपलापक है और एकत्व दर्शन का संस्थापक है वेदांत, लेकिन व्यवहार का विलोपक नहीं है, यह अभिप्राय। न च समुद्रादुदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद्विकाराणां फेन तरंगादीनां इतरेतर भावापत्तिर्भवति। बिल्कुल ठीक कहा, समुद्राद उदकात्मना उदकात्मनः, उदकात्मक माने जल रूप जो समुद्र है उससे अनन्य होने पर भी बीची तरंग बुदबुद फेन ये सब अपने स्थान पर यथावत रहते हैं। डंडा लेकर के थोड़े इन सबको
उनका ताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित। ये विभाग अपने स्थान पर बने रहते हैं। घट के 50वें कार्यों को आपने मृतिका समझ लिया, इसका अर्थ है कि घट फूट जाएगा, या घट को डंडा लेकर फोड़ने चलेंगे, कूलर को कूलर को यथावत विभाग बना रहेगा, उपयोगिता भी यथावत बनी रहेगी, पुस्तक हाथ में आते ही नींद भी जो के त्यों आती रहेगी, वेदांत पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जादू है वेदांत में। पुस्तक छूटते ही नींद। जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। फावड़ा हाथ में आते ही जागृत, और वेदांत ग्रंथ आते ही सुसुप्ति। बढ़िया। न च समुद्र दुदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद्विकाराणां फेन तरंगादीनां इतरेतर भावापत्तिर्भवति। समुद्र को हमने जलात्मक जल रूप समझ लिया, और बुदबुद फेन तरंग इत्यादि को भी जल रूप ही समझ लिया। इसका अर्थ थोड़े हुआ कि बुदबुद फेन तरंग आदि को क्या मिटा दिया या मिट गए, यथावत समुद्र के क्या हैं ये सब विलास विकार बने रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, उसमें कोई वेदांत छेड़छाड़ थोड़े करता है। ऐसे ही ब्रह्म ही जगत रूप में भोक्तृभोग के रूप में उल्लसित है, विलसित है। ठीक, तो अब वो ऐसा थोड़े होगा कि रूप इंद्रिय का नेत्र का ग्रहण करने लग जाए और नेत्र रूप बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ग्राही ग्राहक भाव पूर्वत बना ही रहता है, विषय विषय ही रहते हैं, इंद्रियां ही रहती हैं, मन मन ही रहता है। तत्व दृष्टि है, व्यवहार में यथावत विभाजक रेखा बनी रहती है, यह अभिप्राय। न च समुद्राद उत्कात्मनो अनन्यत्वेपि तद्विकाराणां फेन तरंगादीनां इतरेतर भावापत्ति भवति। न च तेषाम इतरेतर भावा भावना पत्तावपि समुद्रात्मनो अनन्यत्वं भवति। न च तेषाम इतरेतर भावना पत्ता समुद्रात्मनो अन्यत्वम् अन्यत्वम् भवति। इसका अर्थ है कि समुद्र जल रूप है, जल की बुदबुद फेन तरंग आदि के रूप में बीची आदि के रूप में स्फूर्ति होती रहती है। हमने समुद्र को उदक रूप समझा, बीची तरंग आदि को उदक रूप समझ लिया। इस समझने से इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उन सब की विभाजक रेखा विगलित हो गई, या उनकी उपयोगिता पर हमने पानी फेर दिया या उनके भेद को हमने मिटा दिया, यह अभिप्राय नहीं है। एवं यहाँ ये तो दृष्टांत, या दृष्टांत हुआ, दृष्टांति क्या है। न च भोक्तृभोग्ययोः इतरेतर भावापत्ति ही। सबको ब्रह्म रूप समझ लेने पर भी क्या है, भोग्य और भोक्ता इनमें इतरेतर भाव की प्राप्ति नहीं होती, व्यत्यास नहीं होता, भोग्य भोग ही बना रहता है। पूरे शरीर को पांच से भौतिक समझ लिया, इसका अर्थ क्या है। सूक्ष्म दृष्टि से तो वेदांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर भी भौतिक ही है, तो इसका अर्थ है कि नाक का काम कान करने लग जाए, कान का काम नाक करने लग जाए, ये थोड़े। तत्व दर्शन से मोक्ष होता है, व्यवहार तो यथावत चलता रहता है, उस पर पानी तत्व दर्शन के द्वारा थोड़े एकत्व दर्शन होता है।
इसका मतलब भेद यथावत बना रहे फिर भी एकत्व दर्शन होता है। ताम्र पात्रों की सत्ता और उपयोगिता ताम्र पर निर्भर है, ऐसा जान लेने पर ताम्र पात्रों में जो परस्पर भेद है उनकी पृथक पृथक अर्थक क्रियाकारिता है उस पर प्रभाव थोड़े पड़ता है। न च परस्मात् ब्रह्मणो अन्यत्वं भविष्यति। अब ठीक है, दृष्टि में तो ब्रह्म से अन्य ये नहीं हो सकते, लेकिन व्यवहार में तो परस्पर पार्थक्य पृथक पृथक स्वभाव प्रभाव स्वरूप बना ही रहता है। तत्वता सब के सब जल रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भोक्ता भोक्ता ही रहता है, भोग्य भोग ही रहता है, इनमें कोई व्यत्यास की प्राप्ति नहीं होती, उलट फिर नहीं होता। न च परस्माद् ब्रह्मणो अन्यत्वं भविष्यति। व्यवहार में भेद होने पर भी तत्वता ये ब्रह्म से अन्य हो जाए ऐसा नहीं, और अनन्य हमने समझ लिया तो इसका अर्थ व्यवहार चौपट हो जाए भी नहीं। पृथकत्व पृथकता के रहने पर पृथकत्व रहने पर भी क्या है, इनकी अनन्यता बनी रहती है, ब्रह्मरूपता बनी रहती है। अब ब्रह्मरूपता के ज्ञान से व्यावहारिक धरातल पर पृथकत्व भी बना ही रहता है, पृथकता भी बनी ही रहती है अभिप्राय। अब यहाँ विशेष बात, यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तैत्री दोष इति षष्ठुरेवाविकृतस्य कार्यानुप्रवेशेन भोक्तृत्व श्रवणात्। अब एक विचित्र बात है कि आकाशादि ब्रह्म के कार्य हैं, जीव ब्रह्म का कार्य नहीं है। क्या केवल एक जगह मुंडक आदि की दृष्टि से विचार करें तो अग्नि से जो विस्फुलिंगें निकलती हैं वैसे ही ब्रह्म से जीव भाव की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश सम्भूता आकाशाद वायु। इसका अर्थ क्या हुआ, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और इनके तारतम्य संघात से सृष्टि की संरचना हो जाती है। जगत कार्य है, जीव को कार्य नहीं माना गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये तैतृय उधर छांदोगी, अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। आत्मनानुप्रविश्य परमात्मा ही आत्मरूप से उल्लसित है विलसित है। प्रवेश पर पहले भाष्य में उपनिषद में 10 पृष्ठ केवल प्रवेश कैसा है इस पर चला था पहले 3-4 साल पहले, तो यहाँ पर तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। कल्पना करें कि आकाश ने घट बना दिया, मठ बना दिया, उसमें प्रवेश प्राप्त कर लिया, तो उसका जन्म थोड़े हुआ। घट का जन्म हुआ, मठ का जन्म हुआ, आकाश ने उसमें प्रवेश कर लिया माने प्रागेव विद्यमानत्वात्। श्रीमद्भागवत में वसुदेव जी का वचन है, प्रागेव विद्यमानत्वात्, 10वें स्कंद में। आकाश तो पहले से ही विद्यमान था, घट का निर्माण हुआ तो घटगत जो आकाश है उसकी संज्ञा घटाकाश हो गई। मठ का निर्माण हुआ तो मठगत जो आकाश है उसकी संज्ञा मठाकाश हो गई। यह आकाश वहाँ उत्पन्न नहीं हुआ, घट उत्पन्न हुआ, मठ उत्पन्न हुआ, दृष्टांत है। ऐसे ही ब्रह्म ने प्रवेश किया, प्रवेश सदृश किया, अर्थात ब्रह्म का। अच्छा एक विचित्र बात है, लोटा को यहाँ रख ले, हमने बहुत पहले उदाहरण दिया था, एक सरोवर में, एक सरोवर है, किनारे रहकर या सरोवर में घुसकर या नदी में घुसकर जलाशय में घुसकर एक लोटा को ये पात्र को क्या करें, ऐसे कर दें अंदर,
और इतने हिस्से पानी आ जाएगा। अब ऐसा करें तो क्या होगा, पहले का जो भरा हुआ पानी है वह ऐसे शीतलता रहेगा, लेकिन ये जो आकाश है इसमें आकाश तो पहले से था, इस पात्र के आने पर लगता है कि आकाश इससे क्या हो गया, अवच्छिन्न हो गया, इसने आकाश में मानो कोई भेद डाल दिया। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ ले चलेंगे, इसके साथ आकाश चलेगा या जहाँ जहाँ ये पात्र जाएगा वहीं वहीं के आकाश को मानो अपने से अवच्छिन्न बनाता जाएगा, है या नहीं। ऐसे ही क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, परमात्मा का जीव रूप से प्रवेश है, परमात्मा का कार्य जीव नहीं है, परमात्मा का जीव रूप से प्रवेश है, लेकिन जगत परमात्मा का कार्य है। क्या इनका नाम क्या है, आलोक त्रिपाठी, क्या बोले हम, आलोक है, हाँ ठीक है, परमात्मा का जीव रूप से आलोक है, ठीक है। क्या बोले वेदांती जी, परमात्मा का जीव रूप से आलोक है। परमात्मा का कार्य जीव नहीं है, जगत परमात्मा का कार्य है, परमात्मा ही जीव रूप से प्रविष्ट सरीखा है, जीव रूप से उद्भासित सरीखा है, परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, जगत की ही उत्पत्ति होती है, यह वक्त ठीक है, परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है न कि जीवात्मा की, बोलो फिर, परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है न कि जीवात्मा। हाँ कहो भारद्वाज महर्षि। हाँ है ठीक, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, दूसरी श्रुति कौन है, यहाँ नहीं है वो, अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, प्रवेश भी कैसा, आकाश पहले से होता है या घट पहले से होगा, होता है घड़ा पहले से होता है या आकाश पहले से, घट बनने पर घटगत आकाश का नाम क्या हो जाता है, घटाकाश, मठ बनने पर मठगत आकाश का नाम क्या हो जाता है, मठाकाश, आकाश में वो कोई विभाजक रेखा तो खींचने में घट मठ समर्थ नहीं है, तो निरवयव सदृश है ना आकाश, लेकिन अवच्छेदक के योग से एक का नाम घटाकाश हो गया, एक का नाम मठाकाश हो गया, तो घटाकाश मठाकाश की उत्पत्ति हुई या घटमठ की उत्पत्ति हुई, हाँ घटमठ की उत्पत्ति हुई न कि घटाकाश मठाकाश की, ऐसे जीव उत्पन्न नहीं होता, जगत उत्पन्न होता है। अब जगत का क्षेत्रफल बहुत है, जैसे कल मैंने कहा था क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, इदम शरीरम कौनते य क्षेत्र मित्य विधीयते तद्यो व्यति तम प्राहु क्षेत्रगति तद्विदा, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोल रहे बोलो उसमें क्या भूल हो गई, तो कोई हंसी थोड़े होगी, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, हाँ बढ़िया होगा, उसमें डरते तो बढ़िया, 24 तक ठीक है, ठीक है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान दशैकम च पंचचंद्री गोचरा, ये जो शरीर है इसका क्षेत्रफल, पहले कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, इदम कह के मालूम पड़ा केवल इसको लक्षित कर रहे भगवान, इदम का व्यापक रूप क्या हो गया, बामन जी ने कहा तीन पग पृथ्वी चाहिए, तीन में सारा समेट लिया, शुक्राचार्य बड़े चतुर थे, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, ये तीन पर ही इसका क्यों आग्रह है, चार कह देता दो कह देता, तीन पर आग्रह है,
ये वामन ये भगवान विष्णु का अवतार है, चलेगा ये मेरे चेले मेरे शिष्य का धन लूट लेगा, चेला को झूठ बोलने से पाप लगेगा, ये ध्यान है। गुरु जी कहते हैं ऋग्वेद की ऋचा उद्धृत करके भागवत में, धन बचाने के लिए झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। फिर क्या कहा, अब देखो कोई कहे कि हमको 3 मीटर कपड़ा दो, 3 मीटर के बदले वो 1 मीटर को 1000 मीटर का रूप धारण कर ले, तो कहना चाहिए आपने 3 मीटर मांगा था। वामन रूप से उसने 3 पग मांगा और जब ये मापने लगा है तो कितना विराट रूप हो गया है। कहो ना कि आपने जिस रूप से मांगा था उस रूप से हमने 3 पग दिया। कहा गुरु जी ये सब पोल पट्टी मत सिखाइए, अरे भाई चेले तुम्हारा धन लूट जाएगा तो हमारी यजमानी कहाँ से रहेगी। एक बम्बई के थोक कपड़े व्यापारी ने एक वस्त्र हमको, मतलब हमने क्या पूज गुरुदेव से दीक्षा लेनी थी प्रयाग वहाँ पर हरिद्वार में, तो हमने सोचा हमारे पास तो रुपये पैसे हैं नहीं, महाराज को दें तो क्या दें, तो न चाहते हुए भी बम्बई में जिसके हम ठहराए गए थे, राम सुखदास जी ठहराया था कपड़े का थोक व्यापारी, हमने पत्र लिखा कि संन्यास होना है, एक वस्त्र भेज दीजिए ताकि मैं पूज गुरुदेव को भेंट कर सकूं। उसने भेजा, लेकिन राम सुखदास जी महाराज को उसने फ़ोन पे बताया कि दंडी स्वामी होने जा रहे, उनको एक वस्त्र दिया है, हमने पूज गुरुदेव को भेंट किया, अब गुरुदेव तो हमको लौटा दिया, देखो हमने सुखानंद जी को दे दिया, वो अलग बात है। कालांतर में महात्मा ने कहा कि आपने पत्र लिखा था ना, वो दीक्षा किसी को नहीं देते थे, फिर भी कहा कि हमारे भक्त के यहाँ से आपने एक पत्र एक वस्त्र मंगवाया, उसकी फीस क्या थी मालूम है, दंड छोड़ के हमारा अनुयायी हो जाएगी। हमने सोचा अरे राम ये त्यागी तपस्वी रुपया न छूने वाले एक थोक व्यापारी ने इतना सा कपड़ा भेज दिया, उसके बदले दंड छोड़ के हमारा अनुयायी बन जाइए, है ना, त्यागी तपस्वी जो रुपया नहीं छूते कुछ नहीं मांगते, उनकी अपने शिष्यों की संपत्ति में, शिष्य की संपत्ति दीक्षा भी नहीं देते, उनकी अपने भक्त की संपत्ति में कितनी आसक्ति। तो यही हुआ, क्या हुआ, इदम विष्णुर्विचक्रम है, तो यहाँ पर क्या है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए, अर्थात जीव रूप से अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप से विस्तार कर दिया आगे, सूक्ष्म रूप से जो प्रपंच बना था उसमें प्रविष्ट होकर, फिर वो हिरण गर्भात्मक होकर के उन्होंने आगे की सृष्टि की रचना की। यह सब भागवत में छांदोग आदि में है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यह जो परमात्मा का कार्य क्या है, जगत है, जीव परमात्मा का कार्य नहीं है, घटाकाश जो है आकाश का कार्य नहीं है, घट कार्य है और कौन है, मठ भी कार्य है, तथापि उपाधि तो चाहिए ना, क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कह रहे थे, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया, इदम कहा, इदम की व्याप्ति कहाँ तक ले गए, प्रकृति तक, अव्यक्त तक, अब इदम कहाँ जाके बैठ गया, और क्षेत्रज्ञ कहाँ जाके बैठ गया, पुरुष हो गया क्षेत्रज्ञ, और इदम को बैठा दिया मूलक प्रकृति तक, यह इसी प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए, परमात्मा का कार्य जीवात्मा नहीं है, परमात्मा रूप ही है, जैसे घटाकाश महाकाश का कार्य न होकर आकाश रूप ही है, मठाकाश आकाश का कार्य न होकर के आकाश रूप ही है, तद्वत जितने जीव हैं ये भगवान के कार्य न होकर भगवत रूप ही हैं, जगत आकाश आदि कार्य हैं न कि आत्म तत्व जीव तत्व भगवान का कार्य। फिर भी असूत्र है तो उसके अनुकूल तो अर्थ करना ही था, भगवान शंकराचार्य ने लिखा चूँकि जीव की जो उपाधि है वह कार्य है,
तो गौण रूप से कार्य की प्रसक्ति जीव में भी हो गई। क्या वाक्य हम बोले? क्योंकि चूंकि जीव की उपाधि कार्य है, कार्योपाधि रहम जीव है, इसलिए उपहित जो जीव है उसमें भी कार्य की प्रसक्ति हो गई। क्या हो गया? कार्य का आरोप हो गया। क्या हो गया? गौण रूप से जीव कार्य सिद्ध हो गया, स्वतः जीव कार्य नहीं है। जैसे घट कार्य है, मठ कार्य है, तो घटाकाश मठाकाश को कोई कार्य कह दे, किसका? आकाश का। फिर भी अंतर क्या होगा? आकाश से क्या होगा, क्या हुआ? वायु उत्पन्न हुआ। वायु से कौन तेज, तेज से कौन जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पृथ्वी का कुछ अंश घट बना, मठ बन गया मान लो। तो आकाश के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य हो गए या नहीं? क्रमशः वायु भी कार्य आकाश का, तेज भी कार्य, जल भी कार्य, पृथ्वी भी कार्य, तो घट भी कार्य और मठ भी कार्य। लेकिन वही आकाश घट मठ के योग से जब घटाकाश मठाकाश के रूप में उद्भासित होता है, तो उपाधि के कार्य होने के कारण उपहित में कार्यत्व का, कार्य भाव का आरोप हो जाता है, न कि उपहित सचमुच में कार्य होता है। क्या वाक्य हुआ? उपाधि कार्य है, कार्योपाधि रहम जीव है, कहाँ? शुक रहस्योपनिषद। कार्योपाधि रहम जीव है, कारणोपाधि ईश्वर है, कार्य कारणता महत्वा पूर्ण बोधो शिष्यते। तो चूंकि जीव की उपाधि कार्य है, अंतःकरण है, कार्य है, तो कार्य से उपहित होने के कारण जीव में भी कार्यत्व का उपचार है, गौण रूप से है। वस्तुतः तो जीव क्या है? ईश्वर का, ब्रह्म का कार्य न होकर ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म का ही जीव रूप से प्रवेश है। यह तो जगत कार्य है, जीव कार्य नहीं है, परमात्मा ही जीव रूप से उल्लसित उल्लसित है। यह अभिप्राय। यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकार है, यद्यपि भोक्ता जो जीव है वो ब्रह्म का विकार, विकार माने कार्य, विकार नहीं है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसकी रचना करके तदेव जिसने रचना की उसी ने प्रवेश प्राप्त किया। दोनों में एक तत्व है, जिसने रचना की उसने प्रवेश किया। मानो आकाश ने स्वयं को घटमठ बना दिया, फिर अपने द्वारा बनाए गए घटमठ में क्या किया? घटाकाश मठाकाश रूप से प्रवेश कर लिया। ऐसे ही इति सृष्टुरेव अविकृतस्य कार्यानुप्रवेशेन भोक्तृत्व श्रवणात्। इस प्रकार जो सृष्टा परमात्मा सर्वेश्वर सच्चिदानंद अविकृत, बिना कोई उनमें विकृति के, ज्यो के त्यों, जब आकाश घटाकाश मठाकाश के रूप में उल्लसित होता है तो आकाश में कोई विकृति आती है क्या? नहीं। अवच्छेदक अवच्छिन्न में विकृति पैदा कर दे या नहीं? आकाश अवच्छिन्न है, आकाश अवच्छेदक घटमठ, ऐसे ज्यो के त्यों ब्रह्म ही क्या है? जब इसमें प्रविष्ट हुआ, अर्थात ब्रह्म ही उपाधि के योग से जीव रूप में उल्लसित हुआ, तब उसमें भोक्तृत्व की प्रसक्ति हो गई। इसीलिए क्या कहा? भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है, विक्रिया माने विकार। कहाँ लिखा है? गीता 13वां अध्याय। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। 13वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने क्या लिखा? भोक्तृत्व किम उपलब्धित्व, भोक्तृत्व उपलब्धित्व ही भोक्तृत्व है, यह अभिप्राय। तथापि कार्य कार्य
उपाधि जो है कार्य रूप है, कार्य उपाधि की उत्पत्ति के कारण उपहित में मानो कार्यत्व का उपचार हो गया, उपहित को भी मानो कार्य कह दिया गया। इस प्रकार से तो व्यत्यास कैसे होगा, वो तो योग्य त्यों रहेगा। भोक्तृत्व श्रवणात् तथापि कार्यमनुप्रविष्टस्यास्त्युपाधि निमित्तो विभागः, ऐसी बात है, फिर भी कार्यमनुप्रविष्टस्य, कार्य में अनुप्रविष्ट जो परमात्मा है उसी के जीव के रूप में ख्याति है, उपाधि निमित्तक उसमें विभाग माना जा सकता है। आकाशस्य घटादि उपाधि निमित्त इत्यतः, निमित्त इत्यतः पहले ही कहा, जैसे आकाश है उसी का कार्य निमित्तक जो है व्यवहार चलता है, उपाधि निमित्तो विभाग। यह घटाकाश है, यह महाकाश है, यह मठाकाश है, महाकाश तो महाकाश ही है, मठाकाश घटाकाश ये सब आकाश में विभाग कहाँ से हो गया, विभाग शून्य आकाश में विभाग कहाँ से हो गया, औपचारिक हो गया, घट के योग से उसका नाम घटाकाश, मठ के योग से उसका नाम मठाकाश। तो उपहित में विभाग जो हुआ औपचारिक हुआ, औपचारिक बने गौण न कि वास्तविक। आकाशस्य वा घटादि उपाधि निमित्त इत्यतः, घटादि उपाधि निमित्तक उसमें क्या है, भेद है, तत्वता नहीं, विभाग है तत्वता नहीं। यह अब हमको सोना है तो लोटे में जो आकाश है उसमें जाके सोएंगे उसमें सोएंगे या बिस्तर पर कमरे में सोएंगे, उपयोगिता भी अलग अलग हो गई है ना क्या। एक घर द्वार में बड़ा उपद्रवी था कोई भूत प्रेत, एक तांत्रिक आया, उसने क्या किया आया, एक डब्बे में उसको मंत्र के द्वारा बांध के डब्बे को सील कर दिया ऐसे है। सिद्ध लोग जो हैं मान लो चीटी बन जाए तो लोटे में भी सो सकते हैं, पानी वानी ना हो तो क्या। लेकिन अब हमको सोना होगा तो क्या घटाकाश में सोएंगे, कहाँ सोएंगे, मठाकाश में सोएंगे या घटाकाश में, उपयोगिता भी हो गई। मठाकाश में पाँव वाँव फैला सकते, घटाकाश में बंद कर दिया जाए तो क्या दशा होगी। इसलिए कहा तरह तरह के, लोटे में पानी कम आएगा, कलश में ज़्यादा आ जाएगा, सरोवर भी क्या है उपाधि तो है पृथ्वी को लेकर, उसमें और अधिक आ जाएगा, समुद्र भी उसमें और अधिक जल आ जाएगा। तारतम्य घटित है उपाधि, घटाकाश मठाकाश की व्यावहारिक धरातल पर पृथक पृथक उपयोगिता पर लक्षित होने पर भी, सुई में जहाँ धागा डालते हैं, मिथिला में ब्राह्म मुहूर्त में कोई सुई नाम ले ले तो चाटा पड़ जाए, हाँ पता नहीं क्यों प्रसिद्धि है, क्या बोलते हैं उसको, निमू ही बोल गए ये मैथिली, हाँ अब ध्यान है निमू ही, सुबह सुबह अगर नाम ले लिया किसका, सुई का, मानो सूल ही दिन भर होगा, इसलिए वहाँ पर सुबह अगर कोई जरूरत ही पड़े सुई लाओ, कपड़ा से निकल के निमू ही लाओ निमू ही माने इतना सूक्ष्म मुँह कि नहीं के बराबर, क्या कहते हैं ऐसे। अनुदरा कन्या, इतने अनुदरा कन्या का अर्थ क्या हुआ, उदर जो मानो नहीं के बराबर, छह प्रकार के नए होते हैं, नहीं के बराबर अनुदरा कन्या। और क्या होता है वो करील, करील के बारे में लोग कहते हैं कि उसमें पुष्प नहीं होता, हमने देखा है खुशबूस होता है, कम होता है और नीचे की ओर होता है, ऊपर की कहीं कहीं ऐसी तो करील में ही तो होता है, फल तो होता है फूल नहीं होता लोग कहते, लेकिन फूल हमने देखा है, तो फूल वहाँ पर अनुदरा कन्या में जैसे उदरहीन नहीं, नहीं के बराबर, ये पृथु नहीं, पृथु नहीं मोटे नहीं, अनुदरा कन्या माने कन्या तो है लेकिन उदर मानो नहीं के बराबर है,
ऐसे कोई कोई कहीं कहीं थोड़ा फूल होता है, इसमें जो अभी कहा करील में, ऐसे इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो अलग अलग विभाग हो गया जी। विभाग कैसे हो गया? वो सुई, सुई में जो छेद है वो उसमें क्या होगा? वहाँ तो फिर वहाँ सोने को मिल जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, चींटी भले ही वहाँ घुस जाए। तो पृथक पृथक उपयोगिता होने पर भी वास्तव में आकाशगत भेद नहीं है। विभाग जो है उपाधि के योग से परिलक्षित होने पर भी आकाश निर्विभाग ही है। आकाशस्य व घटादि उपाधि निमित्त है इत्यतः परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वेपि उपपद्यते। परम कारण ब्रह्म से अनन्य होने पर भी क्या है? जीव जीव ही रहता है, जगत जगत ही रहता है, भोक्ता भोग्य हो जाए, भोग्य भोक्ता हो जाए, यह व्यत्यास नहीं होता। चिंता मत कीजिए, मतलब तत्व ज्ञान होने पर सारा चौपट हो जाएगा व्यवहार। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए। व्यवहार का विभागत क्या है? विघातक नहीं, द्वैत बुद्धि का विघातक। पंचदशीकार ने कहा प्रारब्ध का आग्रह अलग है, तत्वज्ञान का आग्रह अलग है, दोनों में कोई क्या है? मर्दन क्या है? दोनों में भिड़ंत नहीं है, पहलवानी नहीं है। प्रारब्ध का आग्रह क्या होता है? द्वैत को दिखा देना। तत्वज्ञान का आग्रह होता है द्वैत को मिथ्या सिद्ध कर देना, भोग्य को प्रस्तुत करना प्रारब्ध का आग्रह है, भोग्य को मिथ्या ब्रह्मरूप समझ लेना ये क्या है? तत्वज्ञान का आग्रह है। तो दोनों में कोई दुश्मनी थोड़े है। क्यों? प्रारब्ध अपना काम करता है, तत्वज्ञान अपना काम करता है, दोनों में दुश्मनी नहीं है। बाध करना किसका नाम काम है? तत्वज्ञान का। और प्रस्तुत करना किसका काम है? प्रारब्ध का। अज्ञानी के सामने भी प्रारब्ध भोग को प्रस्तुत कर देता है, ज्ञानी के सामने भी। तो प्रारब्ध अपना काम करता है वो, इस प्रकार से। इत्यतः परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वेपि उपपद्यते भोक्तृभोग्य लक्षणो विभागः। इस प्रकार अनन्य होने पर भी भोक्तृभोग्य विभाग पूर्वत बना रहता है। समुद्र तरंगादि न्यायेना इत्युक्तम, पहले ही कह दिया कि समुद्र तरंगादि न्याय से। इसका अर्थ क्या है? समुद्र को उदक जल मात्र समझ लिया तो समुद्र में जो भी तरंग बीची आदि हैं, बुदबुद हैं, सबको क्या समझा? जल मात्र समझा। फिर भी उनकी प्रतीति, उनकी अर्थक्रियाकारिता सब पूर्वत बनी रहती है। वो बनते बिगड़ते रहते हैं, जल से उत्पन्न होते हैं, जल में विलीन होते हैं। उत्पन्न होने पर भी कोई तरंग के रूप में, कोई बीची के रूप में, कोई बुदबुद के रूप में, कोई फैन के रूप में, इस प्रकार से चलता रहता है काम। तो व्यवहार को मिटा देना नहीं, व्यवहार को बाधित करना क्या है? तत्वज्ञान, या सबको ब्रह्म रूप सिद्ध कर देना तत्वज्ञान। दृष्टि का खेल है यह, व्यवहार का खेल है। व्यवहार यथावत रहता है। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।